प्रशांत, आपको लगता है 16400 के नीचे एक बार जाएंगे हम पैनिक में भी जा सकते हैं, भले ही छोटी अवधि के लिए जाए? टचन वो होगा, हम 16375-80 टच करके ऊपर आ सकते हैं। राइट, ठीक है। देखिए, आपको ये मालूम चला, ये बाजार के सम ऑफ द बेस्ट और मोस्ट फॉलोड एनालिस्ट आपको स्वदेश में एक भी वोट ऐसा नहीं था कि 16400 के कहे के नीचे खिसक जाएगा। और ये आपको ये भी एक तरह से बताता है कि बाजार, क्योंकि ये जो हमारे एनालिस्ट हैं वो मोस्ट फॉलोड एनालिस्ट हैं बाजार में काफी सालों से हैं, तो ये आपको बाजार का मूड, ये एक रिप्रेजेंटेशन है बाजार का, राइट? तो आपको ये मूड भी बताता है कि इस समय बाजार क्या है। बट इस समय हम क्या देख रहे हैं, इंडिकेटिव टिक्स आना शुरू हुए और 200 पॉइंट नीचे दिखा रहा है। लेट्स सी प्रशांत, आज की ओपनिंग देख के तो अभी तो ऐसा लग नहीं रहा कि बाजार को कोई जल्दबाजी है 16400 को ब्रेक करने की। क्या एक अटेम्प्ट ली जा सकती है, थोड़ा वेट करें अभी अगले 10 मिनट और रुक जाएं? के बावजूद यहाँ पे मुझे बाइंग नहीं दिख रही, एक टूल होता है ऑर्डर फ्लो, वहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ, तो मुझे कोई बाइंग नहीं, इनफैक्ट मुझे सेलिंग ही दिख रही है। तो मैं फिलहाल इस मार्केट में लॉन्ग इस लेवल पे भी नहीं जाना चाहूंगा। और जैसे कि मैंने कहा कि एक बार मैं देखना चाहूंगा कि 16375-380 के जोन तक अगर निफ्टी आए, वहां से अगर वो बाउंस करे तो मैं डेफिनेटली लॉन्ग जाऊंगा। जैसे कि मैं हर बार कहता हूँ, जो लॉन्ग हम इंडेक्स में लेंगे निफ्टी में, हर बार इंट्राडे लॉन्ग ही रखिए और 75 से 100 पॉइंट के ऊपर स्टॉप लॉस मत रखिए। 1:2 रिस्क रिवॉर्ड मिल जाए तो आप एग्जिट कर लीजिए। ओवरनाइट लॉन्ग हमें इंडेक्स में कैरी करने ही नहीं चाहिए। दो चीजें इंपॉर्टेंट है जरा नोटिस करवाना चाहता हूँ। पहले, एक तो 16400 हमने ब्रेक कर दिया, अब हम स्पॉट में 16378 पे हैं और फ्यूचर्स में भी ब्रेक कर चुके हैं। प्रशांत, आपके क्या होंगे इस वक्त की पिक्स, आपको क्या पसंद आ रहा है? प्रियंका, सबसे पहले इंडेक्स पे बात करूंगा कि जैसे मैंने राय दी थी कि 16370 से हम घूम सकते हैं, बिल्कुल हम 16366 फ्यूचर्स में लो बना, वहां से हमने बाउंस लिया है। तो मुझे लग रहा है कि आज ये बाउंस बहुत अच्छा आया है और करीबन हम 16600 तक अब जा सकते हैं, जो कि एक अहम रेजिस्टेंस होगा।